हम लोगों को कुछ कमेंट आया हमारा सोशल मीडिया पेजेस में कि मेरा 8 महीना हो गया, मेरा 10 महीना हो गया, मेरा 1 साल हो गया, लेकिन छुपाने का बात नहीं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी किसी कैंडिडेट्स का टाइम लग सकता है, बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट दी वन व्हिच इशूइंग वर्क परमिट। अकेडमी उसी कभी भी वर्क परमिट इशू नहीं कर सकते। और दूसरा बात, हम लोग वी आर नॉट ऑथराइज टू ग्रांट योर वीजा। आपका वीजा जो ग्रांट करते हैं वो एम्बेसी। इसका मतलब है वी शुड रेस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्बेसी। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आपने बहुत सारे एजेंसीज का वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया में, वो लोग कमेंट को ऑफ करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम है अगर कमेंट ऑन किया तो उसको सिर्फ गाली मिलने वाला है। अकेडमी यूसी का वीडियो देख सकते हैं, कमेंट ऑलवेज ऑन होता है। कोई छुपाने का बात नहीं, कोई डरने का बात नहीं। आप हमारा क्लाइंट से, आप हमारा व्यूअर से, आप हमारा वेल विशर से, आप फ्री है कमेंट्स करने के लिए। आप अपना रिव्यू दे सकते हैं खुल्लम खुल्ला इन पब्लिक सोशल मीडिया चैनल, सब पब्लिक देख सकते हैं। डरने का बात नहीं, छुपाने का बात नहीं, आपका कमेंट का रिप्लाई हम लोग करेंगे। सो टाइम फ्रेम का बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स व्यूअर्स बोलते हैं टाइम फ्रेम का बात। मैं आप लोगों को एक हकीकत बताने वाला हूँ, टाइम फ्रेम इज डिपेंड अपॉन द सिस्टम, इज डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। आपका क्या स्किल्स है? अनस्किल्ड, आप अनस्किल्ड है तो ऑफकोर्स अनस्किल्ड के लिए थोड़ा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर को हम लोग बहुत सारी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब आप सेलेक्ट होगा तो तभी आगे का प्रोसेस आगे जा सकता है। रहा बात स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के लिए तो अभी भी बहुत वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज है। मैक्सिमम बाई 6 महीने में पूरा काम हो सकता है, यस। लेकिन आपको एक्सलेंट वीडियो बनाना चाहिए, वर्किंग वीडियो। आप क्या काम करते हैं? एग्जाम्पल, आप सेफ है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है, आप अच्छे से वर्किंग वीडियो बनाए तो आपका सेलेक्ट होने का चांस बहुत ही हाई रहेगा और प्रोसेस स्पीड हो जाएगा।